हाँ गाइज, मैं राहुल अस्टे कंस्ट्रक्शन की तरफ से आज का मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज देखने वाले हैं हम प्लॉट साइज 33 फीट बाय 59 फीट। ये जो प्लॉट साइज है इसमें अपने को 2 BHK किस तरह से बनाना है इसके डिटेलिंग्स आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, बट इसके डिटेलिंग जानने के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप इसी तरह से प्लान या कोई डिज़ाइनिंग इंटीरियर और 3D डिज़ाइन के लिए अच्छे से अच्छे डिज़ाइन आपके घर के लिए एलिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते। ये है जो प्लॉट है, वो प्लॉट की साइज़ है 33 फीट बाय 59 फीट। ये है, यहाँ पे 9 मीटर का रोड है और ये है यहाँ पे इनकी वॉल कंपाउंड, जहाँ से ये बेडरूम के लिए, बेडरूम से तो वॉल कंपाउंड में का डिस्टेंस है 5 फीट और हॉल से तो वॉल कंपाउंड के बीच में का डिस्टेंस है 14 फीट बाय 17 फीट 6 इंच। इसमें आप आपकी कार पार्किंग भी कर सकते हो और पोर्च के लिए भी आप जगह छोड़ सकते हो। इसमें आप 2-व्हीलर 4-व्हीलर पार्किंग भी आप कर सकते हो। इस यहाँ पे है ये मेन डोर, इसकी साइज है 4 फीट और हॉल की साइज है 18 फीट बाय 13 फीट 3 इंच। इसमें इस तरह से आप यहाँ पे टीवी यूनिट, आपका टीवी यूनिट बना सकते हो या यहाँ पे भी आप बना सकते हो और बाद में सिटिंग एरिया में आप कभी यहाँ पे बनाते हो तो आप इस टाइप में सी शेप में आपका सिटिंग एरिया बना सकते हो। इसमें जिस तरह से आप डिज़ाइन करके इसको आप आपका बना सकते हो और इस साइड में कभी आप टीवी यूनिट ले सकते हो तो इस साइड में भी आप सबसे पहले एल शेप में यहाँ पे इंटीरियर ले सकते हो और बाद में यहाँ पे भी आप 1-2 स्टूल ले सकते हो। बट कभी आप यहाँ पे कभी टीवी यूनिट लेते हो तो यहाँ पे आपको सिर्फ शेप में आप सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, यहाँ पे बैक साइड में आप डेकोरेशन कर सकते हो, यहाँ पे भी ये हॉल भी अच्छे तरह से आप डेकोरेट कर सकते हो और आपको बहुत सारी जगह डेकोरेशन करने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे आपका सेंटर में टीवी टी टेबल आ सकता है। उसके बाद में यहाँ से एग्जिट एंट्री है हॉल से बाहर निकलने के लिए, ये एंट्री है। यहाँ से आप ये मूविंग एरिया आप कह सकते हो, ये जो एरिया है इसको मूविंग एरिया है। ये एरिया से आप हर एक जगह पे जा सकते हो, यानी आपको मास्टर बेडरूम में जाना है तो आप मास्टर बेडरूम में जा सकते हो, आपको किचन में जाना है तो आप किचन में जा सकते हो, आपको स्टोर रूम में जाना है तो आप स्टोर रूम में भी जा सकते हो, यहाँ पे बेडरूम में जाना है यहाँ पे भी आप बेडरूम में जा सकते हो, ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है यहाँ पे भी आप जा सकते हो। ये हो गया हॉल, हॉल के बाद ये आ गया आपका मास्टर बेडरूम। इसकी साइज़ है 17 फीट बाय 13 फीट 3 इंच। उसी में इसमें 4 फीट बाय 7 इंच का अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है। उसी तरह से किचन के लिए किचन भी यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिख रहा है इसमें आप एक तो दीवार भी खड़ी कर सकते हो या थोड़ा डेकोरेशन भी आप कर सकते हो इंटीरियर में। इसमें आप फर्नीचर में बना सकते हो, अभी भी मार्बल शीट एक बहुत अच्छा न्यू पैटर्न आया हुआ है उसमें भी आप बना सकते हो, स्टील में भी आप कर सकते हो, एक्रेलिक कटिंग में भी आप इसको बना सकते हो, ग्रास में भी आप इसको बना सकते हैं। इंटीरियर में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे।
अभी कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है यहाँ पे दीवार खड़ी करना। तो इससे अच्छा है कि इसमें ये जगह छोड़ के आप इसको इंटीरियर में डेकोरेट करो, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ आजकल डायरेक्ट हॉल में ना बैठे हुए किचन में जाते हैं, तो उस टाइम में आपका घर का लुक भी देखने के लिए अच्छा दिखेगा। हॉल तो अपन डेकोरेट करने ही वाले हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बट किचन के लिए भी आप ये सोच सकते हो। किचन की साइज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी दी हुई है, 15 फीट बाय 6 इंच और बाय 11 फीट, इस तरह से ये किचन के भी साइज़ है। यहाँ पे आप यहाँ पे आपका किचन ओटा अच्छी तरह से बना सकते हो एल शेप में इस तरह से। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए भी जगह विंडो छुड़ी हुई है, और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए अपने प्लॉट से 3 फीट जगह छुड़ी हुई है, और इधर के साइड से भी 3 फीट जगह छुड़ी हुई है। ये वेंटिलेशन और लाइट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो भी एयर आएगा वो इधर से इधर पास होने से निकल जाएगा, यानी रुकेगा नहीं, जिससे न्यू आपकी सेहत भी अच्छी रह सकती है और अच्छी तरह से आपका यानी जल्दी आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे किचन भी दिया हुआ है, बाद में यहाँ पे मास्टर बेडरूम भी है, यहाँ पे बाथरूम है बड़ा सा 5 फीट बाय 7 फीट 6 इंच, बाद में WC भी है 4 फीट बाय 4 फीट का। यहाँ पे आपका कुछ घर का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ सामान भी आप स्टोर रूम में रख सकते हो। स्टोर रूम की साइज़ भी अच्छी खासी दी हुई है, 9 फीट बाय 6 फीट 2 इंच, और यहाँ पे बच्चों के लिए या एडल्ट के लिए आप यहाँ पे एक बेडरूम भी बनाई हुई है, इसमें भी आप एक टॉयलेट बाथरूम अटैच कर सकते हो आपके हिसाब से, क्योंकि इसकी साइज 16 फीट बाय 11 फीट है, तो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको बेडरूम की तरह भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए ये स्टेयर दी हुई है, इस तरह से आप ऊपर भी जा सकते हो। ऊपर भी आप सेम तरह का ये है ग्राउंड फ्लोर का प्लान, आपको इसके ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी बनाना है तो आप सेम भी बना सकते हो या चेंज भी कर सकते हो। आपकी प्लॉट साइज़ कभी 33 बाय 59 फीट होगी तो आप इस प्लान को सजेस्ट यानी यूज कर सकते हो, और या कोई आपका दोस्त भाई बहन होंगे तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हो। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्लान के लिए, उनकी डिटेलिंग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका सपोर्ट हमको जिस तरह से मिलेगा, हम आपको उस तरह से अच्छे अच्छे डेवलपमेंट, न्यू इंटीरियर एक्सटीरियर प्लान डिज़ाइनिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी चीज़ लगती होंगी आप मुझे कमेंट करिए, आपके प्लॉट साइज़ दिए, वो प्लॉट साइज़ के हिसाब से मैं आपको प्लान डेवलप करके भी आपको दे सकता हूँ, या वो साइज़ में प्लान बना के आपको उसमें किस तरह से प्लान बैठेंगे वो भी आपको डिटेलिंग दे सकता हूँ। चलो, वंस अगेन हैव अ नाइस डे गाइज़।